नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है आकाश चौरे, नेशनल सीड से सेल्स ऑफिसर, बैतूल क्षेत्र का प्रतिनिधि हूँ। आज हम बात करते हैं नेशनल सीड के ब्लैक गोल्ड सरसों की, जिसे ग्राम चिलपटी तहसील शाहपुर में लगाया हुआ है, जिसे संतोष वर्मा जी के द्वारा खेत पर लगाया हुआ है। जैसे कि हम नेशनल सीड के ब्लैक गोल्ड की कुछ विशेषताओं के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं। जैसे कि जो पौधा होता है, आप देख सकते हैं इसकी मीडियम मेरे हाइट की आती है, और जो इसकी खास बात है, इसमें जो पिखे निकलते हैं, टीलर्स निकलते हैं, ब्रांचेस निकलती है, वो नीचे से निकलती है। पौधे मतलब एक डंडा सीधा ऊपर नहीं जाता है, इसमें इसमें नीचे से पिखे ब्रांचेस निकलते हुए जाती है, जो आपको एवरेज बढ़ाती है, एल्ड की मात्रा बढ़ाती है। और इसका जो दाना आता है, वेटेड आता है, वजनदार आता है, और तेल की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। जैसे कि आपको ब्रांचेस के बारे में बताया था, टीलर्स के बारे में बताया था, वो हम आपको इस पौधे में गिन के बताते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, मतलब इस पौधे में 17 ब्रांचेस है। और इसकी एक खास बात और बताते हैं, जैसे इसमें जो ब्रांचेस निकली है, उसमें भी ब्रांचेस निकली है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये जैसे पौधा है, जो इसमें से ये नीचे से ब्रांचेस निकल के आई है, साइड में यहाँ से भी इसमें ये ब्रांचेस निकल रही है, इसमें यहाँ पे भी ब्रांचेस निकल रही है, ऊपर भी ब्रांचेस निकल रही है। ये इस प्रकार से मतलब पौधे में ब्रांचेस में से भी ब्रांचेस निकल रही है, जिससे क्या पौधा पूरा कवर कर लेगा और आपके यील्ड की मात्रा को बढ़ाएगा, जो इससे आप अधिक उत्पादन आपका व्यय में प्रॉफिट प्राप्त करेगा। आशा है किसान भाइयों, आपको नेशनल सीड का ये ब्लैक गोल्ड सरसों पसंद आया होगा। धन्यवाद।